हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। आज संडे है और संडे के दिन हम कोशिश करेंगे कि वीकली टेस्ट लें ताकि आपका आपको जो हमने पढ़ाया है वो कितने समझ में आ रहा है और इसका मूल्यांकन हो सके। मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है, बिना मूल्यांकन का ये कहना उचित नहीं होगा कि हम किस स्तर में हैं, हमारा स्टडी किस तरह से चल रहा है। इसके बारे में आप लोगों को जो है अभी से तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि आप जून 2020 में VGC नेट की जो परीक्षाएं देंगे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के रूप में देंगे और आपको जो है अभी से जब तैयारी करेंगे तो एग्जामिनेशन हाल में आपसे बेहतर बन जाएगा। तो दोस्तों हम जो है सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चंस हम ले रहे हैं आज जो है, क्या क्वेश्चन लेंगे, शिक्षण है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर शिक्षण, इसमें से आपको सही चुनना है। सही क्या क्या है इसके अंतर्गत, सही क्या क्या है ये आपको जो है चुनना है। हमने ऑप्शन दिया हुआ है, ए बौद्धिक गतिविधि है, बौद्धिक गतिविधि, बौद्धिक गतिविधि है ये। सुनते भी जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा। दूसरा है गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। सी है शिक्षण में, शिक्षण में स्वतंत्र चर होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी आश्रित चर है। ऑप्शन ई, निदात्मक निदानात्मक क्रिया क्रिया शिक्षण के चरों का, शिक्षण के चरों का एक प्रकार का कार्य है। तो यहां पर हम ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन वन दे रहे हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन टू दे रहे हैं, ए सी डी ई। ऑप्शन थ्री दे रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बी सी डी ई। और ऑप्शन लास्ट में फोर दे रहे हैं, ए बी सी डी और ई। क्या आंसर सही है आपको बताना है। शिक्षण मूलता है, सही क्या क्या है, बौद्धिक गतिविधि है, गतिशील प्रक्रिया है, शिक्षण में स्वतंत्र चर होते हैं, शिक्षार्थी आश्रित चर है, निदानात्मक क्रिया शिक्षण के चरों का एक प्रकार का कार्य है। आपको सही आंसर देना है, ठीक है, सही आंसर देखना है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है यार, इधर नजदीक में ले आओ, देखिए दिखेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है ओल्ड चैनल में, आप लोग ओल्ड चैनल भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या सही आंसर है, यहाँ पर चौथा सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। आपको सही आंसर चुनना है दोस्तों, ठीक है। गुड मॉर्निंग, एक का 4 सही है, बिल्कुल राइट आंसर है, ये 4 सही आंसर है। बहुत सारे बच्चों लोगों ने सही आंसर चुना है। याद रखिएगा, शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है, इंटेलेक्चुअल है, याद रखना। शिक्षण से हम इंटेलेक्चुअल बनते हैं, इंटेलेक्चुअल बनते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमें प्राप्त होता है, नाम से जानते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको इंटेलेक्चुअल पर्सन कहा जाता है, बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करता है। यानी कि गांव में एक व्यक्ति ने कहा
कि आप उठक बैठक हो जाइए, आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल पर्सन एक बार सोचेगा, उठक बैठक से यदि सिर दर्द कम हो जाएगा तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। यदि कारण होगा तो ही वो उठक बैठक करेगा, अन्यथा स्थिति में कह देगा कि सॉरी मैं नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, क्योंकि वो जैसे साइंस के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए हम कहें उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में बीपीएल कार्डधारियों को फ्री में क्या दिया जाता है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या हो सकता है, आपका आपका सोचने का तरीका क्या है। मान लीजिए आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं कि जो चूल्हा से आँख खराब होता है, ज़्यादा समय बर्बाद होता है, महिलाओं को राहत मिलेगा, इस तरह की बातें करते हैं। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ऐसे बातें नहीं करते, ये तो गांव देहात के लोग बात करते हैं। क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं तो देखिए, जलाऊ लकड़ी कहाँ से आएगा रे भाई, कहीं ना कहीं पेड़ को आप काटेंगे, जबकि पेड़ को काटना नहीं है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में यदि जलाऊ लकड़ी का प्रयोग करेगा तो स्वाभाविक सी बात है जंगल में जाके काटेगा, अपने खेत के पेड़ को काटेगा, है। तो हम जो है जलाऊ लकड़ी को रोकने के लिए जो है गैस का इस्तेमाल करने के लिए हमने जो है उस बीपीएल कार्डधारियों को जो है उज्ज्वला गैस योजना जो है चालू किया हुआ है, ठीक है। तो आप इंटेलेक्चुअल दिमाग में सोचेंगे, इंटेलेक्चुअल दिमाग से आपको सोचना है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण बताते हैं इंटेलेक्चुअल, बोलते हैं कि नहीं, कि कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा खतरनाक गैस है जो पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को हम खत्म कर दें? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना न तो बादल बनेगा और न ही बारिश होगी, और न ही ये जो आपका जो अंतर दिखाई दे रहा है, क्या अंतर, बरसात, ठंड, गर्मी, ये आपको महसूस ही नहीं होगा। ये इंटेलेक्चुअल, हम पढ़ लिख कर जो है हम आदमी बनते हैं, क्या आदमी बनते हैं, हम हमारी सोच में विस्तार होता है। जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है, याद रखिएगा, साइंटिफिक टेम्पर चलता है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर वो चलता है। तो यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल आता है, ये गतिशील प्रक्रिया है। तो कैसे गतिशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया का मतलब होता है कि समय काल परिस्थिति वातावरण के आधार पर शिक्षण जो है बदलता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार से सिलेबस बदलता है, टीचर बदलता है, छात्र बदलते हैं, ठीक है, छात्र बदलते हैं। आपको पता होगा कि मैं जब MA पढ़ूंगा तो वहां पर नया टीचर से पढ़ने को मिलेगा, मुझे एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, जैसे मेरे साथ जो है अभी कोई बच्चे होंगे मेरे खुद के स्टूडेंट लाइफ में होंगे, वो कहते हैं कि सर जब हम थर्ड ईयर पहुंचेंगे तो आप हमें लॉ पढ़ाइएगा, आप लॉ थर्ड ईयर वालों को पढ़ाते हैं, फोर्थ ईयर वालों को पढ़ाते हैं, 3 साल बाद पढ़ने को मिलेगा। यानी कि याद रखिएगा, ये गतिशील प्रक्रिया है, ये बदलती रहती है, समय काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षक भी बदलते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट भी बदलते हैं, और आपके पाठ्यक्रम भी बदलता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षण में स्वतंत्र चर होते हैं, हमने आपको 3 चर बताया था, ठीक है, पाठ हमने जो है टीचर का भी बताया था, साथ ही साथ स्टूडेंट का भी बताया था, और उसके अलावा जो है एक चर बताए थे पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम के बारे में, विषय वस्तु के बारे में बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षार्थी हमेशा आश्रित चर होता है, शिक्षक हमेशा जो है स्वतंत्र चर होता है। नितनात्मक क्रिया शिक्षण के चरों का एक प्रकार का कार्य है, आप सभी जानते हैं चरों के प्रकार का एक कार्य है नितनात्मक जो है, तो ये भी सही है। यानी कि आपका जो है ये 5 सही आंसर है, इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन भी दूंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि आपके जो है दिमाग में बैठ जाए। हम टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर के रूप में हम आपको जो है समझाएंगे, ताकि जो है 2 तरीके से आपका जो है फायदा हो। शिक्षण का उद्देश्य है क्वेश्चन नंबर टू है, शिक्षण का
उद्देश्य है, सबसे पहली बात जो है ये हम बता रहे हैं, अधिगम प्राप्त करना। छात्र अधिगम प्राप्त करते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या सही है? क्या सी है, स्वयं परिवार राष्ट्र के निर्माण में भूमिका होती है। और ऑप्शन डी है, सभी। मुझे पता है कि आप लोग बना लोगे, फिर भी टेस्ट होता है, इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर आपको देना है। बहुत अच्छा है, आप लोग नॉलेजेबल बन रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते हो। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सही आंसर देते हो। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम प्राप्त करना है। मैंने बताया था लर्निंग यानी कि सीखना है, इसलिए अधिगम करता होता है। ठीक है, अधम ग्रहिता होता है, अधिकम का मतलब होता है सीखना। और हम लोग जो है टीचिंग में सीखते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें सीखते हैं, नया ज्ञान सीखते हैं, पुरानी बातों को सीखते हैं, शिक्षक के व्यवहार को सीखते हैं। ठीक है, दीन दुनिया को हम समझने के लिए सीखते हैं। ठीक है, नया चीज़, नया ज्ञान, अनुसंधान करते हैं, ये भी एक अधिकम है। ठीक है, व्यवहार सीखते हैं, अधिकम में सब आता है, अधिगम में सब आता है, व्यवहार भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम प्राप्त करता है, ये इसके अंतर्गत आता है। और ये भूमिका भी जो है अधिगम से ही होता है, तो इसका मतलब है कि ये चारों सही है। और मान लीजिए आपको ऑप्शन आता इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर बताइए। इनमें से कोई नहीं तब सही आंसर क्या होगा? इसमें से मतलब ये हुआ तीन में से एक बेस्ट आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षक का उद्देश्य है, छात्र अधिगम प्राप्त करते हैं, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है, स्वयं परिवार राष्ट्र के निर्माण में भूमिका होती है, और डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको जो है बताया, यानी कि तीनों का सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, यानी कि ऐसा प्रश्न यदि पूछता है, तीन में से एक ऐसा है जो दो भी सम्मिलित है और दो सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। यानी कि तीनों अलग अलग बातें करता है, कोई उत्तर दिशा में जा रहा है, कोई पूर्व दिशा में जा रहा है, कोई दक्षिण दिशा में जा रहा है, तब हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं। और जब तीनों का एक दूसरे से संबंध है, जब को रिलेट होता है, तो इसका मतलब होता है जिसके साथ में को रिलेट हो रहा है उसका सही आंसर जो है ये ए आंसर सही है, यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चंस में। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है सी इज बेस्ट। सी भी एक अंतर्गत ही आता है, अधिगम के अंतर्गत आता है, अधिगम का भाग है वो। ठीक है, मुख्य उद्देश्य तो अधिगम प्राप्त करना है, अधिगम में व्यवहार भी आता है, राष्ट्र का निर्माण भी आता है, समाज उपयोगी कार्य भी आता है, समस्त अधिगम में होते हैं। जब अधिगम कर्ता बनेंगे, अधिगम सीखेंगे, जब आप सीखेंगे राष्ट्र निर्माण को भी जो है सीखा जाता है, याद रखिएगा ये लर्निंग है। तो आई एम राइट सर, यू आर राइट सर, और यू आर परफेक्ट सर। ठीक है, यू आर विद्वान इंटेलेक्चुअल पर्सन सर। ठीक है, आप लोग विद्वान बन रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग को जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो मैं आपको जो तरीका बताया, यदि आप नहीं भी जानते होंगे, यदि आपको सोचने का ट्रिक पता होगा, जो मैंने सोचने का जो ट्रिक बता रहा हूँ उसी ट्रिक के हिसाब से चलिएगा,
प्रोवाइड करिए अपने क्लास का प्लीज, सब देंगे। देखिए अभी कुछ मत बोलिए, अभी आप लोग जो है एग्जाम दीजिए, ठीक है। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय की क्या हो गया, बदमाशी फिर, यहां पर देखिए वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली है विशेषकर भारत की बात कर रहे हैं, प्रणाली है, ये है औपचारिक शिक्षा प्रणाली है। ऑप्शन बी है अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन सी है आधुनिक शिक्षा। ऑप्शन डी है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। क्या है आपको जो है सही आंसर देना है? वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और ब्रिटिश शिक्षा। सही आंसर आपको देना है। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली है भारत की जो वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली है उसको आपको जो है समझने की जरूरत है। ए होगा सर, कई लोग ए होगा बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं सी होगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ पर क्योंकि टीचिंग में, याद रखिएगा, टीचिंग में तीन चीज़ें का होना बहुत जरूरी है। टीचिंग के जो है तीन तत्व हैं, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, ये तीन चीज़ें का होना बहुत जरूरी है, और ये तीनों चीज़ें एक साथ मौजूद रहता है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं, औपचारिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। टीचिंग के तीन तत्व होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, ठीक है। और तीनों चीजें यदि मौजूद हो, एक साथ मौजूद हो, तो इसको औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है तीनों चीजें एक साथ उपस्थित नहीं होता, उनमें से एक गैप रहता है, उसको हम लोग जो है अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा है, आप सभी जानते होंगे अनौपचारिक शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। उन्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर में सिलेबस होगा और छात्र होगा। सिलेबस और छात्र दो होता है, टीचर गायब रहता है। औपचारिक शिक्षा में स्टूडेंट को कॉलेज जाना पड़ता है, यानी कि टीचर के पास में जाना पड़ता है, और वहां सिलेबस भी होता है, इसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी, वर्तमान समय की शिक्षा आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक कोई शिक्षा नहीं होता है, आधुनिक काल होता है, ठीक है। आधुनिक काल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेन कहाँ हो रहा है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा बोलने से वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली, तो यहाँ पर प्रणाली शब्द हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये आंसर जो है सही है, ब्रिटिश शिक्षा जो है ये गलत है, प्रश्न के हिसाब से नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा भी नहीं है, ये औपचारिक शिक्षा है। आपको इस तरह से आंसर देना है दोस्तों, तो आप बेहतर बन सकते हैं, ठीक है। चांद आप लोग जो है इस तरह से पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, शिक्षण की प्रकृति है, क्या प्रकृति है? ऑप्शन ए है शिक्षण ही शिक्षण की प्रकृति है। ऑप्शन बी शिक्षा
शिक्षा ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी यहां पर जो है सभी। आपको जो है सही आंसर बताना है, शिक्षण की प्रकृति है, शिक्षण की प्रकृति है क्या प्रकृति है आप लोग बताइए, ठीक है, क्या हो सकता है इसका सही आंसर आप लोग जरूर दीजिए। वेरी गुड, आप लोग बेस्ट हो, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो है सही आंसर दे रहे हैं। ये ऑप्शन डी आंसर सही है, शिक्षण की प्रकृति खुद शिक्षण ही है, शिक्षण की प्रकृति में शिक्षण अपने आप आता है, क्योंकि शिक्षण इसलिए आता है क्योंकि शिक्षण जब आएगा, शिक्षण की प्रकृति होगा तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट और आपका जो है सिलेबस, ये सब जो है शिक्षण की प्रकृति है, ठीक है। शिक्षा भी इसके अंतर्गत आता है, अधिकम भी इसके अंतर्गत आता है, दैट इज डी आंसर जो है सही आंसर है, आपको इस तरह से चुनना है। बहुत बेस्ट है आप लोगों का तार्किक ज्ञान जो है, ठीक है। किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए किस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है निर्माणात्मक जो है ये है, ठीक है, निर्माणात्मक होता है। बी है संरचनात्मक। सी है यहाँ पर आपका जो है क्रियात्मक मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है अधो मूल्यांकन। क्या सही आंसर है बताइए। किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में किस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, शैक्षणिक कार्यक्रम योजना में, यहाँ पर योजना शब्द जोड़ देता हूँ, योजना में किस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, निर्माणात्मक, ठीक है, मूल्यांकन या फिर कुछ और होता होगा, उसको जरूर बताइएगा आप लोग जो है, मैं यहाँ पर, ठीक है। मूल्यांकन से हमारा क्या मतलब होता है, मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना होता है, मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य जो है सुधार करना है, यहाँ पर इसका मतलब होता है दोस्तों सुधार करना है। और शैक्षणिक में यहाँ पर शैक्षणिक योजना है तो बताइए शैक्षणिक कार्यक्रम योजना का क्या सुधार करना है, क्या सुधार करें, हमेशा सुधार करेंगे, सुधार करना है, क्या सुधार करना है, ठीक है। जो सुधार करेंगे उसमें जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, एक नया सुधार होगा, शैक्षणिक कार्यक्रम योजना में एक नया सुधार होता है, नया चीजें आता है, यानी कि एक नया चीज का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए जो है हमेशा ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक कार्यक्रम योजना में हमेशा निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, यानी कि आपके दिमाग में बिठा लीजिए शॉर्ट ट्रिक, मूल्यांकन का मतलब होता है सुधार करना, और यहाँ पर शैक्षणिक कार्यक्रम योजना आयोजित कर रहे हैं और उसमें क्या सुधार होना है, एक नया चीज आएगा, हो सकता है कि पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि टीचर बदल जाएंगे, हो सकता है टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि कॉलेज का जो समयावधि है
यानी कि क्रिएट है, कम ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ जो है छात्रों के निर्माण से संबंधित है, छात्रों के निर्माण, टीचिंग के निर्माण से संबंधित है, एक नया चीज होने वाला है। तो इसमें जो है आपको हमेशा ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक कार्यक्रम योजना में हमेशा जो है निम्नात्मक मूल्यांकन होता है। आपको जो है ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका हेड है या आपका प्रिंसिपल है, वो यदि कक्षा में अनुदेशन प्रक्रिया में मान लीजिए आपका प्राचार्य है, स्कूल का प्रधानाचार्य है, यदि मान लीजिए कक्षा में अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम का आयोजन करता है, ठीक है, कक्षा में अनुदेशन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम का आयोजन करता है, तो यह भी निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो इस बात को हमेशा जो है सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पर कई चीजें होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, निगरानी कार्यक्रम आयोजन करता है, संकलनात्मक होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन होता है, मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, आप लोग जो है होमवर्क में दे रहा हूं, आपको जो है नोट्स में शामिल करना है इसको जो है, और मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। मूल्यांकन के जो चार पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मूल्यांकन के बारे में आपको जो है इसको एक नया टॉपिक के रूप में ध्यान देना है। मूल्यांकन में निर्माणात्मक होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। दूसरा मान लीजिए हम कहें बहुत सारे होता है, संकलनात्मक होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। तीसरा जो होता है आप याद रखिएगा, मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है, और चौथा मैंने अभी अभी बताया था, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। ये सब को याद करना है, इसी में से एक प्रश्न आएगा, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन, ये इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। मूल्यांकन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में ये आता है, ये ठीक है, इस चारों में से ही जो है ये आता ही है। मैं कभी वीडियो बना दूंगा, अभी का जो वीडियो है एक टॉपिक में ही जो है आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कोई क्वेश्चन जो है। पियाजे का हमने कभी वीडियो बनाया था, पियाजे जो जानते होंगे, पियाजे का सिद्धांत जो है, पियाजे का सिद्धांत पढ़े हो नहीं पढ़े हो, शायद मैं पढ़ाया हूँ कभी, क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे का सिद्धांत है, कोई बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा, पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन है विकासात्मक सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन बी है, जानते होंगे आप लोग जो है, ठीक है, यहाँ पर रूप सक्रियात्मक अवस्था आप जानते होंगे, इसके लिए जो है पियाजे का माध्यमिक स्कूल में आप सभी जानते होंगे, ठीक है, माध्यमिक स्कूल में जो शिक्षा के स्तर, ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें सही है, रूप संक्रियात्मक अवस्था, माध्यमिक स्कूल में शिक्षा के स्तर,
ठीक है, ये आप जानते होंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था ये सब होता है। माध्यमिक स्कूल में शिक्षा के स्तर क्या सही है, कोई एजुकेशन वाले सब्जेक्ट होंगे तो जरूर बता सकते हैं। पियाजे का सिद्धांत जो है, ठीक है, पियाजे का सिद्धांत शायद आधा घंटा हो गया है, ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, थक गए हैं, मॉर्निंग संडे का दिन है, कल फिर जो है नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, सही बताइए। आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत अच्छा है, ये सभी है, क्योंकि इन्होंने जो है स्तर बताया है कि उम्र के हिसाब से संवेदी स्तर, सभी स्तर बताया हुआ है। ठीक है, कितने साल से लेकर कितने साल तक की जो है अवस्था में क्या होता है, ठीक है, फिर माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल के बच्चे के लिए एज बताया है, बड़े लोगों के लिए एज बताया है। तो इसको जो है आप इस रूप में आपको जो है समझना है। आपको कैसा लगा यह आपका वीकली टेस्ट, आप खुद मूल्यांकन कीजिएगा, सही कितना हुआ। हमने 7 प्रश्न लिया हुआ है, ठीक है, आज समय हो गया, आज संडे का दिन है, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, आज संडे है, किसी ने आमंत्रित किया हुआ है और 9 बजने वाला है, 8:30 हो गया। तो दोस्तों यहीं पर हम विदाई लेते हैं, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे दोनों चैनल को जो है आशीर्वाद दीजिएगा, आप पुराने चैनल वाले हो, आप नए चैनल वाले हो। कोई मुझे प्रश्न पूछा है कि सर ओल्ड चैनल क्या है, यहाँ पर न्यू चैनल का नाम पूछा है, तो सभी जानते होंगे ओल्ड चैनल जो है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स है, और न्यू चैनल जो है LOC राइट्स एग्जाम मस्ती है, LOC राइट्स एग्जाम मस्ती, और हमारा जो पुराना चैनल है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स। तो मैं विदाई लेता हूँ, गुड नाइट, थैंक यू।